जुड़ गए हैं हमारे हमारे साथ शोएब भाई जुड़ गए हैं। और शोएब भाई थोड़े मायूस लग रहे हो आप, कुछ क्या हो गया? शोएब भाई थोड़े हैप्पी हैप्पी हो जाओ, बड़े अच्छे लगते हो आप स्माइल करते हुए। मैं नहीं, तुम्हारी शक्ल देख तो हंसा नहीं जा सकता। क्रेजी लॉस फॉर पाकिस्तान, और आपको ये मानना पड़ेगा इंडिया ने। अब पाकिस्तान रह गया पाकिस्तान का सवाल, अब पाकिस्तान को फाइनल में आना, पाकिस्तान को ये दिखाना पड़ेगा कि देखिए व्हाई आर यू अ बेटर टीम, फॉर व्हाट रीजंस। वो रीजंस, रीजनिंग जो है ना, वो दोबारा आपको बिल्कुल सही बात, दिस इज नॉट अ जोक, इंडियन साइड इज नॉट अ जोक। वो कंप्रिहेंसिवली आपको ये उन्होंने दिखाया, डिस्प्ले किया। वर्निंग पॉइंट मेरे लिए, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, वर्निंग पॉइंट मेरे जसप्रीत बुमराह की पूरे ओवर ना कर, मेरे लिए वर्निंग पॉइंट है। हारिस ओक इंजर्ड हो जाना वर्निंग पॉइंट है। अदरवाइज जो आपने किया वो सारा ही वर्क फॉर यू। एक मैच से यार कोई टीम बहुत बड़ी नहीं हो जाती, एक मैच से कोई टीम बहुत छोटी नहीं होती। हमारा ये काम बिल्कुल सही बात है, एक मैच से किसी भी टीम को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बुरी टीम है। पाकिस्तान विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, बट दिस लेसन टू बी लर्नड आउट हियर यार, बिल्कुल सही, ये लेसन बहुत बुरा मिला है पाकिस्तान। क्या है आपने, आपने टॉस जीत के बैटिंग करना है, श्योर हो कि नहीं श्योर? जी श्योर है, ठीक है। टीम आप पहले अनाउंस करें, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल है, कॉन्फिडेंट रहें। लेकिन व्हाट अबाउट द डिसीजन ऑन द फील्ड, क्योंकि जो कप्तान सियाना कप्तान होता है ना, वो ऐसे डिसीजन लेता है पांच मिनट में, दो मिनट में, तीन मिनट में चीजें बदल रही होती हैं कि यार ये मैंने चार ओवर से कराने थे, आप इससे कराऊंगा, नहीं इससे कराऊंगा, उससे कराऊंगा। सो दैट कैप्टनसी नीड्स टू बी स्मार्ट एनफ, शार्पन अप अ बिट। पर शोएब भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब 228 रन से कोई टीम हारती है, और अभी ये टूर्नामेंट का इंडिया का अभी पहला ही मैच है, अभी पाकिस्तान अभी और भी आगे मैच खेलने जाने हैं, श्रीलंका ऑलरेडी आगे चल रही है, कितना बड़ा साइकोलॉजिकल डैमेज है ये पाकिस्तान के लिए? बहुत बड़ा डैमेज है, आप सबको पता ही है यार, ड्रेसिंग रूम में सारों की मौत हो जाती है। आप जब इंडिया पे हारते हो एज इट इज, अच्छा मैच भी खेल के आओ, तब भी आपकी परेशानी बढ़ जाती है, और इस तरह हारोगे तो ऑब्वियसली बहुत दिल पे सदमा पहुंचता है। बिल्कुल सही बात, और इस पे कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है यार, इस सिचुएशन में इजी नहीं है, इजी नहीं है, बहुत सारी चीजें पे एकदम में फिल्म की तरह चलना शुरू हो जाती है यार, इंडिया में जाके क्या होगा, अगले मैच में क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो यही पाकिस्तान को दोबारा सोचना है, एंड देखिए बीइंग अ फेवरेट साइड इन एशिया का, प्लीज मैं खुद कहता हूँ यस यू आर, बट यू आर प्रूव इट। लेकिन शोएब भाई मेरे को आपसे ये सवाल पूछना है कि इंडिया के लिए एक ये बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट मैच रहा, जहां पर बैटिंग भी क्लिक हुई, बॉलिंग भी क्लिक हुई। अब पाकिस्तान को अभी ये वर्ल्ड कप से पहले की अगर हम इसको तैयारियों को देखें, तो अभी के लिए पाकिस्तान कहां कहां चीजें सीख सकता है, क्या क्या चीजें थी जो पाकिस्तान को, जहां पर आपको लगा कि बिल्कुल कमी है, जहां पर पाकिस्तान को वर्क करना ही करना पड़ेगा? देखिए आपके स्पिनिंग डिपार्टमेंट, आप मिडिल ऑर्डर, और विद द चेंजिंग फखर को थोड़ा स्ट्राइक करना पड़ेगा, फखर जहां पे नहीं स्ट्राइक करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सब कॉन्टिनेंट है यार, कितनी मुश्किल विकेट मिलेंगे आप, बड़ी अच्छी विकेट मिलेंगे आप, अब कोई वो थोड़ा ही जा रहे हो इंग्लैंड वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छी विकेट मिलेंगी खेलने के लिए पाकिस्तान को, और फखर का डिपार्टमेंट लाजमी है कि यार कौन से हमारे स्पिनर्स हैं, कौन से हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया, मेक अ कॉल एंड देन टेक द कॉल। तो कैप्टनसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कैप्टन क्या करता है। मुझे थोड़े से ना मुझे नहीं अच्छा लगा बाबर की कैप्टनसी, आपको बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस पर्टिकुलर मैच में बाबर की कैप्टनसी अच्छी नहीं थी, इस बात से तमाम लोग सहमत होंगे। आप लोग भी सहमत है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि शोएब अख्तर इंडियन मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। शोएब अख्तर को पाकिस्तान की इस टीम, इस मैच के अंदर, पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर अप्रोच अच्छी नहीं लगी, और बाबर की कप्तानी अच्छी नहीं लगी, और हमें भी नहीं अच्छी लगी। अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मुझे भी बाबर की कप्तानी के अंदर फ्लॉज नज़र आए इस मैच के अंदर। लेकिन अब हमारा सारा फोकस होगा कल के मैच के अंदर, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका का है, जो जीतेगा फाइनल खेलेगा संडे वाले दिन इंडिया के साथ। और कल की मैच की टीम अनाउंस हो चुकी है ऑलरेडी, फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया है, उनकी जगह मोहम्मद हारिस आए हैं, उनके साथ इमाम ओपन करेंगे, वन डाउन एज यूजुअल कप्तान बाबर आजम आएंगे, सेकंड डाउन के ऊपर मोहम्मद रिजवान आएंगे, उसके बाद सलमान अली आगा की जगह, क्योंकि वो इंजर्ड भी हो गए थे, उनकी जगह पर आए हैं सऊद शकील, उसके बाद सेम इफ्तिखार अहमद और शादाब खान। लेकिन
फहीम अशरफ की जगह दोबारा से आए हैं मोहम्मद नवाज, उसके बाद बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम और हारिस क्योंकि इंजर्ड हो चुके हैं तो उनकी जगह पर खेलेंगे मोहम्मद वसीम जूनियर एंड जमान खान। लेट्स सी पाकिस्तान क्या करता है क्या नहीं करता है इस मैच के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपने मैचेस देखे एशिया कप के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी लेकिन पाकिस्तान हार गया। अब पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच अल्टीमेटली कल की वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था कि वो एक सेमीफाइनल के तौर पर बन गया, जो जीतेगा वो इंडिया के साथ जो है वो फाइनल संडे वाले दिन खेलेगा। तो इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है, पाकिस्तान और श्रीलंका में से किसी एक टीम को पहुँचना है। पाकिस्तान टीम ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है लेकिन 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 इंडियन मीडिया का एक चैनल है जिसके ऊपर जो है वो शुएब अख्तर और आकाश चोपड़ा जो है बैठ के बातें कर रहे होते हैं और शुएब अख्तर ने क्या क्या बात की क्या क्या बात नहीं करी, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि शुएब अख्तर ने क्या बातें करी।